हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं आपको आज बता दूं कि आज निफ्टी और सेंसेक्स करीबन 2.16% गिर चुका है। तो ये बहुत ही अच्छा ये हम लोग का अपॉर्चुनिटी है कि आप मतलब म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करो, क्योंकि गिरा हुआ मार्केट में ही इन्वेस्ट करने से पैसा बनता है, ये आपको पता होगा। तो आप देख सकते हैं मैं आज काफ़ी मतलब म्यूचुअल फंड में आए मैं इन्वेस्ट किया हूँ। मेरे जितने भी पोर्टफोलियो हैं करीबन 5-6, मैं सब में 1,000-1,500 ऐसा करके मैं आज कर दिया हूँ। 2% मतलब बहुत होता है, और मुझे जहाँ तक पता है जब से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तब से पहली बार है कि 2% गिरा है। इससे पहले जब इलेक्शन था, जब मतलब इलेक्शन के बाद जब रिजल्ट घोषित होना था 4 जून को, उसमें गिरा था वो ज़्यादा नहीं, 1.5% तक गिरा था, लेकिन 2% आज गिरा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गिरा है। तो अगर आपके पास है इनफ फंड है तो जो आपका काम करनी है लॉन्ग टर्म के लिए आप रखे हैं तो आप डाल सकते हैं। और इसी तरह आगे वीडियो आपको चाहिए, अच्छे वीडियो चाहिए, पूरा क्लियर तरीके से चाहिए, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं इसी तरह आपको अगले वीडियो में। तो आपको अभी मैं पहले को दिखा दे रहा हूँ, ये रिटर्निंग था आपका कल का, मतलब परसों का एक तरीके रिटर्निंग आपका 955 रुपये आपको दिख रहा है टोटल। और कल आपको पोर्टफोलियो हो सकता है रेड दिखे, लेकिन उससे पहले मैं सभी में 1,000 रुपये करके 500 करके मैं डाल दिया हूँ, ताकि जितने मार्केट गिरेगा उन्हें एनएवी मुझे उतना कम का मिलेगा। और उसको पता मार्केट 2-3-4 दिन के लिए ही गिरता है, ठीक है, ये शेयर मार्केट है, गिरेगा जितना गिरेगा उतना तेज़ी से उठेगा भी, आप देख सकते हैं। और आपको मैं बता दोस्तों कि मैं आपको बोला था कि एक नया शेयर मैं लूँगा, तो रिलायंस पावर में मैंने 20 शेयर ले लिया है, और टाटा मोटर्स में मैं 942 पे 1 शेयर लिया है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसे थे नहीं। और जिसे मैं रिलायंस पावर में 20 शेयर लिया वैसे अपर सर्किट लग गया, मैं कुल 40 शेयर के लिए डाला था पैसा, लेकिन वो मुझे अलॉटमेंट नहीं हो पाया क्योंकि अपर सर्किट लग गया। और टाटा मोटर्स वो अभी गिर रहा है तो कुछ नहीं, इसका मार्केट कैप, और टाटा मोटर्स तो आपको पता है, टाटा तो आपको पता ही है एक ब्रांड ही है, तो ऐसा कुछ नहीं, वो तो धीरे धीरे वो कवर कर लेगा, थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए ये सब है। रिलायंस पावर मेरे लिए ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, मैं अगर मुझे मौका मिला तो मैं और भी 30 शेयर लूँगा करीबन, मैं कोशिश करूँगा 100 शेयर जाने के लिए, और मैं 2025 का जनवरी फरवरी तक मैं रिलायंस पावर को बेचूंगा, और तब तक के लिए वो मेरे ख्याल से 100 वो पहुंच जाएगा, क्योंकि जिस रफ्तार से चल रहा है और जिस रफ्तार से अनिल अंबानी अपना जितने भी डेप्थ है वो क्लियर कर रहा है, और अभी एक और वो रिलायंस ग्रुप जो है वो रिन्यूअल एनर्जी में भी जा रहा है, तो वो पता है कि अभी सुजलन एनर्जी किस तरीके से वो कितना पे था। मैं सुजलन एनर्जी पर 2 बार मैंने प्रॉफिट बुक किया है, और अभी मैं 83 पे लिया हूँ, लेकिन वो 75 चला गया था, कोई बात नहीं, वो लॉन्ग टर्म के लिए वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा ही जाएगा, ठीक है दोस्तों।